हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर क्लास। गाइस, इस क्लास में हम लोग CSS 3 के बारे में सीखेंगे। ओके, तो कैस ये जो है क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। मैं आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आप लोगों को सिखाऊंगा, जो कि आपकी बहुत काम की चीज़ होगी। ओके, तो इस CSS 3 के बारे में हम लोग कुछ यहाँ पे सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक स्ट्रक्चर बना चुकी हूँ, और यहाँ पे जो है मैं उसे लिंक करा हूँ, और कुछ नहीं। ये CSS की जो HTML फाइल है और CSS 3 की है, मतलब CSS फाइल है। ओके, मैं दो फाइल यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, और बॉडी पे हम लोग अभी ऐड करेंगे। तो बेसिकली हम लोग अभी कुछ लाइन ऐड करते हैं, उसके बाद सारे के सारे काम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग ऐड करते हैं H2 ऐड करते हैं, और H2 के अंदर हम लोग लिखते हैं हेलो हेलो वर्ल्ड। ओके, और एक चीज़ मैं यहाँ पे बनाऊंगा, जो कि पेज के अंदर मैं ऐड करूँगा अभी, हेलो हाउ आर यू एंड व्हाट इज योर नेम। ओके, और उसके बाद और एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, H3 यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। ओके, हेलो हाउ ऑल आर यू। ओके, और फिर से मैं एक H4 हेडिंग ऐड करता हूँ, दिस इज H4 हेडिंग। ओके, ये हो गया। मैं चार लाइन यहाँ पे ऐड करी हूँ, और उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे चीज़ें CSS फाइल के थ्रू। तो अभी मैं आपको उसकी आउटपुट भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे उसकी जो आउटपुट है, ये आप देख सकते हो, उसकी आउटपुट है, सिंपल चीज़ है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, CSS फाइल के थ्रू उसे कस्टमाइज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्लास यूज करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग ये लेते हैं ब्रैकेट स्टार्ट। ओके, और फर्स्ट हम लोग यूज करेंगे टेक्स्ट अलाइन यूज करेंगे। तो हम लोग सेंटर यूज करेंगे टेक्स्ट अलाइन को, और उसके बाद कॉलर। ओके, कॉलर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, इसे यूज करते हैं, और हम लोग उसकी फॉन्ट साइज भी ऐड करते हैं। ओके, फॉन्ट साइज हम लोग ऐड करेंगे, फॉन्ट साइज हम लोग 30 पिक्सल ऐड करते हैं, 25 ऐड करते हैं। ओके, 25 पिक्सल मैंने ऐड किया यहाँ पे, ऐड करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग उसके आउटपुट देखेंगे। ओके, क्लास और क्लास के अंदर हम लोग अभी ऐड करेंगे क्या, हम लोगों ने जो लिखा था LI करके, उसे मैंने ऐड किया। अभी देखो हेलो वर्ल्ड, हम लोगों ने सिर्फ एक ही, मतलब H2 के ऊपर हम लोगों ने ऐड किया, किसको, क्लास को, LI को। ओके, ये क्लास को हम लोगों ने H2 के अंदर ऐड किया, तो यहाँ पे इस तरह की ये काम कर रहे हैं। ओके, अगर
हम लोग अगर इसके अंदर यूज करते हैं, ओके, क्लास ले, ओके, मैंने सेव किया और उसकी आउटपुट भी देख लेते हैं। इस तरह से भी आपको पता होगा, है ना। अभी और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, मैंने मुझे याद नहीं है मैं आपको ये चीज़ बताया हुआ कि नहीं। मैंने पी डॉट एल आई कहते हैं, और एक यहाँ पे एल आई है, यहाँ पे और कुछ ऐड करते हैं, ओके। तो उसके अंदर हम लोग अभी ऐड करेंगे क्या, उसकी बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं, ओके। उसकी बैकग्राउंड कलर हम लोग ये ऐड करते हैं, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसे सेव करेंगे। यहाँ पे हम लोग दो क्लास ऐड करेंगे, जो कि पहला एल आई और दूसरी है एल आई डब्ल्यू करके हम लोगों ने ऐड किए थे। और उसके आउटपुट देखो, अरे इसके आउटपुट जो कि हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर यूज़ किए थे ना, तो बैकग्राउंड कलर यूज़ करने के बाद हम लोगों ने, मैं बता दूं आपको, अगर आपको पता नहीं तो हम लोग क्लास के अंदर जितने भी चाहे हम लोगों ने ऐड कर सकते इस तरह, ओके। जितने भी क्लास यहाँ पे हम लोगों ने ऐड की है उतना ही चीज़ें हम लोग यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। एक क्लास हम लोगों ने मेंशन की और उसके अंदर हम लोग इस तरह से ऐड कर सकते हैं। देखो वही चीज़ यहाँ पे भी मैं अगर यूज़ करता हूँ एल आई डब्ल्यू करके, ओके, सेव करा मैंने। अभी उसके आउटपुट देखो, यहाँ पे थोड़ी सी आप ध्यान दो, मैं आपको एक बात बता दूँ। मैंने सी एस एस फाइल के अंदर पी डॉट एल आई डब्ल्यू ऐड की है, ओके। और यहाँ पे आप कोडिंग के अंदर देखो, मैं यहाँ पे भी एल आई डब्ल्यू यूज़ की है और यहाँ पे भी एल आई डब्ल्यू यूज़ की है, बट ये क्यों सिर्फ पी टेक के अंदर जो भी चीज़ें मैं लिखा हुआ हूँ वही चीज़ को ये मतलब ऐड करता है, मतलब मेंशन करता है, और क्यों एच टू को नहीं? क्योंकि हम लोगों ने पी को यहाँ पे पी के अंदर चेंज करने के लिए हम लोगों ने मेंशन की हुई है, तो इसीलिए वो सिर्फ पी को, मतलब पी टैग के अंदर जो भी चीज होगा उसकी बैकग्राउंड कलर वो चेंज कर देगा, ओके, क्लियर हो ना। जो भी चीज़ अगर मैं यहाँ पे पी को हटा के एच टू अगर यूज़ करूँगा ना, देखो एच टू अगर यूज़ करा मैंने, पे सेव करा मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी चीज़ मैं आपको बोल रहा था वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। अगर यहाँ पे आप पी टेक दोगी, मतलब पी दोगी, तो पी टेक के अंदर ये वार करेगा। अगर एच टू के अंदर एच टू यहाँ पे दोगी तो एच टू के अंदर वो वार करेगा। तो जिसके अंदर ये जो क्लास को आप रन करना चाहो, ऐड करना चाहो, तो उसी को यहाँ पे आप ऐड करो तो ये ऑटोमेटिकली वर्क हो जाएगी, ओके। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही बहुत सारे वेबसाइट में ये भी कॉल एक चीज़ यूज़ कराया जाता है, जो कि सिंपल सा एक स्टार मैंने यहाँ पे ऐड की, ओके, स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने कॉलर को यूज़ करता हूँ, क्या इससे यूज़ करता हूँ, ओके, और उसकी ग्राउंड कलर, ओके, बैकग्राउंड कलर में यूज़ करूँगा, मान लो इसे यूज़ करा, मैं उसे सेव करा, अभी सेव करा और उसके आउटपुट अभी देखते हैं हम लोग। ये आप ध्यान से देखो, हम लोगों ने जो भी चीज़ यहाँ पे मेंशन किए थे वो डिफ़ॉल्ट हो गया। स्टार का मतलब डिफ़ॉल्ट होती है, ओके। कोई भी साइट अगर बनाते हो आप, अगर किसी भी साइट में अगर ज़रूरत पड़े, इस तरह की चीज़ें ज़रूरत पड़े तो आप इजीली कर सकते हो। ये स्टार का मतलब डिफ़ॉल्ट होता है, जो भी चीज़ आप वहाँ पे ऐड करो ये ऑटोमेटिकली वो चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये जो है ना थोड़ी सी ब्लैक जैसी हो रही है ना, यहाँ पे आपको क्लियर करने के लिए इस कलर को मैं हटा देता हूँ और रेड रेड ऐड करता हूँ, ओके। देखते हैं अभी उसके आउटपुट, ये देखो
तो आपको समझ में आ गया होगा इस डार्क मतलब डिफॉल्ट होती है। अगर आप डिफॉल्ट कलर और डिफॉल्ट टेक्स्ट कलर यूज़ करना चाहो तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो क्लियर हुआ ना। तो अभी हम लोग चलते हैं दूसरी चीज़ के अंदर। तो इसे अभी मैं कट करता हूँ, तो बाद में उसे देखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, यहाँ पे भी ये देखते हैं, ये सारी चीज़ हट जाना चाहिए अभी। यहाँ पे भी मैं ये सारी चीज़ को हटाता हूँ, मुझे एक सिंपल टेक्स्ट चाहिए। ओके, उसके बाद मैं आपको दिखा सकता हूँ वो चीज़। ओके, कैसे सेव करा, ये सिंपल चीज़ है, मैं सिंपल टेक्स्ट है आपके सामने है। और यहाँ पे हम लोग सीएसएस के अंदर चलेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे p comma h2 comma h3, और उसके बाद हम लोग ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट अलाइन यूज करेंगे, टेक्स्ट अलाइन हम लोग सेंटर यूज करेंगे। ओके, उसके बाद उसकी कॉलर हम लोग रखेंगे क्या, इसको ऐड करते हैं। और उसके बाद हम लोग ये देखो, मैंने आपको आउटपुट अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो इसकी आउटपुट आप देख सकते हो। जिस चीज़ के ऊपर मैंने ये प्रॉपर्टी यूज किया वो ऑटोमेटिकली हो गया, काम हो गया। बट यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ पे देखो, मैं p h2 h3 के ऊपर एक ही साथ में ये सारे की सारे मतलब टेक्स्ट की उसके टेक्स्ट कॉलर मतलब अलाइन कॉलर टेक्स्ट कलर वगैरह मैंने चेंज कर दिया एक ही साथ। ओके, इस तरह आप यूज करके इस तरह भी कर सकते हो। ओके, क्लियर हुआ ना। अभी हम लोग अगर h4 हमारे पास है, एक h4 है, मैं अगर h4 के ऊपर और एक चीज़ ऐड करता हूँ, उसकी टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे मैं सेंटर को ऐड करता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा उसका फॉन्ट साइज मैं ऐड करूँगा, कितना मैं ऐड करूँगा, 30 पिक्सल ऐड करूँगा उसकी फॉन्ट साइज। ओके, और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा उसकी कॉलर, कॉलर में यहाँ पे ऐड करूँगा, मान लो स्काई ब्लू ऐड करते हैं। और उसकी बैकग्राउंड कलर मैं यूज करूँगा, उसकी बैकग्राउंड कलर यहाँ पे इसको यूज करते हैं। ओके, और एक चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे उसकी फॉन्ट वेट यूज करेंगे। ओके, फॉन्ट वेट, उसकी फॉन्ट वेट को यूज करेंगे, तो फॉन्ट वेट यहाँ पे हम लोग रखते हैं क्या, हम बोल्डर यूज करते हैं। ओके, और एक चीज़ हम लोग यूज करेंगे फॉन्ट फैमिली। ओके, फॉन्ट फैमिली हम लोग यूज करेंगे, तो फॉन्ट फैमिली के अंदर हम लोग इसे यूज करते हैं। और उसे सेव करा। ओके, उसके आउटपुट अभी देखेंगे। अब ध्यान से देखो, हम लोग जो भी चीज़ें यहाँ पे ऐड की है वो सेम टू सेम यहाँ पे अप्लाई हो गया है ऑटोमेटिकली। सीएसएस के अंदर हम लोगों ने वो चीज़ ऐड की है, C4 टैग के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ ऐड की है, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। और यहाँ पे हम लोग ने यूज़ किए थे क्या, ये जो सारी चीज़ हम लोगों ने यूज़ किए थे p h2 h3 के अंदर उसके टेक्स्ट लाइन और कलर, यहाँ पे आप उसकी भी आउटपुट देख सकते हो। तो ओवरऑली मैं आपको बहुत सारी चीज़ अभी तक बता चुकी हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोग को
मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।